तो है दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू डिवाइस मेकर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस छोटे से मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग से जगमगा वाले है, और वो भी बैटरी से सभी लाइटिंग चलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइस, सबसे पहले मैंने RGB लाइट ली है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बस वो चमकनी चाहिए, चमक के तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, एक ब्लिंक ना करे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारी ये लाइट चलती है। अगर गाइज आपके पास ये लाइट नहीं हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। और ये गाइज बहुत ही हल्की क्वालिटी का केबल ले रहा हूँ, जो कि हमारी लाइट इतनी क्यों हैवी नहीं है, तो नॉर्मल केबल चलेगा इसमें। आप चाहे तो इसमें अच्छा क्वालिटी का भी ले सकते हैं। तो गाइज मैं इन लाइटिंग को कुछ आप अभी देखा हूँ वहाँ, इस जगह पर हम लेने वाले हैं चार चार लाइटिंग, एक मतलब एक साइड और दूसरी साइड भी चार लाइटिंग इसे हम करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं इसमें कितने लगेगी हमें वायर, तो इसका हम एक कितने मीटर लगे वो देख लेते हैं। तो गाइस मैंने कुछ इतनी साइज ली है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ बीच में से। आप देख सकते हैं इसमें करेक्ट मैंने आज साइज ले ली है, आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया, अब दूसरी वायर के साथ भी यही करते हैं। तो ये रहे हमारे दूसरी वायर, ये थोड़ी अलग कलर की है, क्योंकि हमारे पास एक ही कलर की वायर ज़्यादा नहीं थी, तो इसका ही हम इस्तेमाल करके इसलिए भी इसी की तरह कट करेंगे। तो गाइस अब अपने एलईडी बल्ब पे शोल्डिंग कर देते हैं। गाइज इसी तरह हम नीचे भी शोल्डिंग कर देंगे नीचे वाले एलईडी बल्ब में। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने तैयार किया है। तो ऐसे मैं चार और तैयार करूंगा और बाद में वो आप देखना। तो इसको मैं चार ऐसे तैयार कर देता हूँ पहले। तो अब देख सकते मैंने चार तैयार कर दिए हैं। अगर आपको इसकी शोल्डिंग मतलब इसकी वायरिंग समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो रेड डॉट है वो हमारी एलईडी बल्ब है, बाकी आपको समझ आ रही होगा। तो बाकी ये है हमारे पहले जो दिखाया था, इसी तरीके से सभी कनेक्शन है, इसमें कोई कनेक्शन मतलब हलवा है, बहुत आसान है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी लाइट ब्लिंक करी है, तो मंदिर में लगने के बाद बहुत अच्छी तरीके से ब्लिंक करेंगी। तो गाइज अब अपने इस एलईडी को इसमें फिट कर देते हैं हमारे इस छोटू से मंदिर में। तो इसे ग्लू गन से मैं चिपका रहा हूँ, आप फेविक से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये बाद में अगर आपको इसको हटाना हो तो फेविक हटाते समय एलईडी बल्ब हमारे टूट भी सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं अभी के ग्लू गन से ही चिपका रहा हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप फेविक से ही काम चला सकते हैं। तो गाइज ये बन चुका है, आप देख सकते हैं हमारे कितना अच्छी तरीके से दिख मतलब दिख अभी तो दिख नहीं रहा है, बस लाइटिंग नहीं दिख रही है। तो अब इसको चालू करके दिखाते हैं। तो अगर आपको इसके कनेक्शन समझ भी नहीं अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, फिर भी अगर आपको इसको
इसके चार करेक्शन एक कैसे कर दिए हैं वो अगर जाना है तो आपको भी दिखाता। तो गाइज आपके सामने डायग्राम है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है। तो गाइज यार हमारा फाइनली सब काम हो चुका है, तो आपको इसके एक बार चल करके दिखाता हूं, उसे भी आप देखना इसके कनेक्शन एक बार फास्ट में। तो गाइज इसको चालू करके मैं दिखाता हूँ आपको, अभी इसमें स्विच नहीं लगाए हैं। अब अगर हमने सोचा तो हम आगे भी इसको अपडेट करेंगे, जो जिसमें कि हम और एलईडी लाइट लगाएंगे और इससे कुछ अपडेट करेंगे, तो प्लीज़ आगे भी बने रहना। तो गाइज देख सकते हैं अपना मंदिर कितनी अच्छी तरीके से जगमगा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है ये, आपको इसकी लाइट बंद करके भी दिखाता हूँ। अभी ये तो अभी यहीं पे रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए, बाकी अगले वाले अपडेट में हम इसको यहाँ फिक्स करने कर देंगे डबल टेप से, और यहाँ बटन लगा देंगे ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे यहाँ पे। तो आई होप आज को गाइज आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।